Hello and welcome to yet another lecture on English grammar. I am Rajendra Dhangar, lecturer in English at Cmrb Government Polytechnic College, Sriganganagar. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि different form of verbs किस तरीके से questions में use करते हैं. इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि हम एक verb को 12 tense में लिख सकते हैं. जैसे हमने देखा कि हम write verb को 12 form में लिख सकते हैं. Write, wrote, will write, is writing, was writing, will be writing, has written, had written, will have written, has been writing, had been writing, will have been writing. जब हमने ये सीख लिया, तो अब हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मोस्टली वो क्वेश्चंस लिखे हैं और उनको सोल्व कैसे करना है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे. एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, जैसे ये सेंटेंस आया है, द अर्थ और डैश दिया होगा, उसके बाद लिखा होगा राउंड द सन, ब्रैकेट में वर्ब लिखी होगी मूव, तो हमने यहां पर फिल करना है अर्थ मूव अराउंड द सन. तो जब ब्लैंक्स फिल अप करने हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए कि 12 फॉर्म्स हमें किस तरीके से एक वर्ब के लिख सकते हैं वो आनी चाहिए, फिर हम उस 12 फॉर्म में से एक वर्ब ब्लैंक्स में यूज करेंगे. जैसे अगर ये वर्ब मूव है तो इसकी 12 फॉर्म्स हमें पता होना चाहिए, तब हम उसमें से एक फॉर्म, यहां कुछ कीवर्ड्स दिए हैं और यूजेस दिए हैं, उनके बेस पर फिल करेंगे. जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसका यूज हम कब करते हैं, जब किसी सेंटेंस में हम देखें कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फैक्ट हो. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहां पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है अर्थ मूव्स राउंड द सन. जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो ध्यान रखना है हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसलिए हमने मूव की फर्स्ट फॉर्म मूव्स लिखा. एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है, ये ध्यान रखना है. अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज की. इसके अलावा फैक्ट्स हो, साइंटिफिक फैक्ट्स या अदर फैक्ट्स हो, उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. एवरीडे रूटीन है या ऐसे एक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल पर होते हैं, उसमें इस तरीके के वर्ड्स हमें मिल सकते हैं, ऑलवेज, यूजली, ऑफन, इनमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. जैसे ही ऑलवेज गोज टू वर्क ऑन फुट, तो हमने वर्ब लिखा गोज, फर्स्ट फॉर्म लिखा क्योंकि ऑलवेज हमें उसमें मिला. इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं, जैसे टेलीविजन गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां पर टेलीविजन गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक फैक्ट है इसलिए हमने यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज की. इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म हम फ्यूचर सिंपल के साथ भी यूज करते हैं, यानी कि अगर ब्लैंक्स दिया हो और उसकी दूसरी साइड में फ्यूचर सिंपल विल के साथ इन्फिनेटिव दिया हो तो हम दूसरे ब्लैंक्स में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन होता है. तो एक तरफ अगर यहां फ्यूचर सिंपल है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. इसके बाद सेकेंड फॉर्म हम कहां यूज करेंगे, जिन सेंटेंस में हमें कोई पास्ट टाइम रेफरेंस दी हो. पास्ट टाइम रेफरेंस का मतलब है जिस सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हो या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक ऐसे शब्द मिला हो, या कोई पास्ट डेट या पास्ट ईयर मिला हो, इस तरीके के फ्रेज मिले हो, टू इयर्स एगो, टू आवर्स एगो, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. ध्यान रखना है जिस सेंटेंस में यस्टरडे या लास्ट मंथ ईयर या कोई पास्ट डेट मिली हो उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. जैसे ये सेंटेंस है, इट रेन्ड हैविली यस्टरडे, इसमें ब्लैंक्स में हमने सेकंड फॉर्म यूज की क्योंकि हमें यहां एक कीवर्ड यस्टरडे मिला है, यस्टरडे ने हमें बताया कि ये सेंटेंस पास्ट का है इसलिए हमने इसमें सेकंड फॉर्म यूज की. वी वेंट टू गोवा लास्ट ईयर, हमने गो की सेकंड फॉर्म वेंट लिखी क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर दिया है जो कि एक पास्ट टाइम रेफरेंस है, हमें पास्ट के बारे में बता रहा है इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लिखी. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इस सेंटेंस में हमें 1947 एक पास्ट ईयर दिया हुआ है इसलिए हमने यहां पर सेकंड फॉर्म लिखी गेट की गॉट. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तब यूज करते हैं जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट मंथ, ईयर, वीक ऐसे शब्द दिए हो या कोई और पास्ट रेफरेंस जैसे पास्ट डेट ईयर दी हो, तब यूज किया जाता है. विल राइट हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में हमें कोई फ्यूचर टाइम रेफरेंस दी हो, इसमें नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक या टुमारो जैसे शब्द दिए हो सकते हैं या कोई फ्यूचर की डेट हो सकती है. जैसे आई विल गो होम नेक्स्ट वीक, जब हमें यहां नेक्स्ट वीक मिला
जब आपको किसी सेंटेंस में नेक्स्ट वीक ईयर मिले तो आपको विल के साथ इन्फिनिटिव यूज करना है. विल राइट, आई विल गो होम नेक्स्ट वीक. यहां नेक्स्ट वीक मिला इसलिए हमने ब्लैंक्स में लिखा विल को. एक चीज जो हमने पहले भी की थी, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल एक सेंटेंस में साथ साथ यूज हो सकते हैं, इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, विल पास, यहां हमने फ्यूचर सिंपल यूज किया, तो दूसरी तरफ वर्क हार्ड, वर्क हमने प्रेजेंट सिंपल यूज किया. फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल एक सेंटेंस में साथ साथ यूज हो सकते हैं, तो एक तरफ अगर प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल यूज किया. इसके बाद इज राइटिंग, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, वो हम कहां यूज करते हैं, जब नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इस तरीके के वर्ड हमें किसी सेंटेंस में मिले. जैसे इट इज रेनिंग नाउ, इस सेंटेंस में हमें नाउ वर्ड मिला, इसका मतलब ये एक्शन अभी चल रहा है, इस वक्त चल रहा है. नाउ का मतलब होता है अब, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इस अराउंड, इस टाइम या इस टाइम के अराउंड कोई एक्शन चल रहा है, उसमें इज एम आर के साथ आई इन फॉर्म हम यूज करते हैं. तो अगर किसी सेंटेंस में नाउ मिले तो हम इज एम आर के साथ आई इन फॉर्म यूज करेंगे. टेम्पररीली एक्शन के लिए भी इज एम आर आई इन फॉर्म यूज करते हैं. जैसे ही इज वियरिंग अ कैप टूडे, तो ये टेम्पररीली है, ही इज डज नॉट वियर कैप एवरी डे. जब रोज कोई एक्शन होता है तो हम कहते हैं ही वियर्स अ कैप एवरी डे. रोज होगा तो एवरी डे, लेकिन सिर्फ आज वियरिंग किए हुए है इसलिए ही इज वियरिंग अ कैप टूडे. तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस. He drinks tea, वो टी पीता है, लेकिन today he is drinking coffee. तो इस तरीके के temporary action में भी is एम आर आई एनजी फॉर्म यूज करते हैं. Have third form कब यूज करते हैं, जब किसी सेंटेंस में इस तरीके की टाइम रेफरेंस हमें मिले, already, just, yet, so far, up to now. ऐसे वर्ड किसी सेंटेंस में मिले तो हम उसमें has, have, third form यूज करेंगे. जैसे he has just gone out, इसमें हमें जस्ट, इसका इसमें वो एक्शन होते हैं जो अभी अभी फिनिश हुए है, और उसके लिए ऐसे वर्ड हमें मिल सकते हैं ऑलरेडी, जस्ट, ही हैज जस्ट गोन आउट, अभी अभी बाहर गया है. आई हैव फोन हिम सिक्स टाइम्स अप टू नाउ, अप टू नाउ जैसा वर्ड है, इसमें भी हम हैव थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं. इसके बाद विल हैव थर्ड फॉर्म हम कहां यूज करेंगे, जिसमें बाई प्लस टाइम दिया हो या बाई और आगे की कोई डेट दी हो. जैसे द मैच विल हैव फिनिश्ड बाई नाउ, बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट वीक, By 2022, जब by और उसके साथ कोई टाइम दिया हो तो उसमें हम will have third form यूज करेंगे, याद रखना है. जैसे the match will have finished by now. Has have been ing form तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में since for plus time दिया हो. ध्यान रखना है इस वर्ब को तभी यूज करेंगे जब किसी सेंटेंस में since या for दिया हो और उसके साथ कोई टाइम दिया हो. जैसे इस सेंटेंस में it has been raining since morning, तो सिंस और उसके साथ कोई टाइम दिया है इसलिए हमने यूज किया हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इसके बाद तीन कंडीशनल सेंटेंसेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये कंडीशनल सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी कि अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ विल और इन्फिनिटिव यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल. अगर यहां पर सेकेंड फॉर्म है वर्क, तो दूसरी तरफ हो जाएगा वुड पास. यहां अगर हैड थर्ड फॉर्म है, हैड वर्क, तो दूसरी तरफ हो जाएगा वुड हैव थर्ड फॉर्म. तो ये तीन कंडीशनल सेंटेंस भी याद रखने हैं. अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ विल इन्फिनिटिव, यहां सेकंड फॉर्म है तो वुड इन्फिनिटिव, यहां हैड थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म. जैसे यहां भी हमने देखा था वर्क, तो वहां पर विल पास, यहां वर्क, वहां वुड पास, हैड वर्क, वुड हैव पास. तो इस तरीके से डिफरेंट वर्ब्स हैं, हम डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. दैट इज ऑल फॉर नाउ. In the next lecture, we will discuss some other topics.